दमोनगर के श्री 1008 चंदा प्रभु चौधरी जिनालय में दिन दहाड़े घुसे तीन बच्चों के द्वारा दानपत्र गुल्लक के ताले को पिंचेस से तोड़कर हजारों रुपए की नकदी चोरी कर लिए जाने का सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया है। यह पूरा घटनाक्रम मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दिए जाने के बाद में तीन में से दो बच्चों को पुलिस द्वारा पकड़ लिए जाने और थाने ले जाने की जानकारी भी सामने आई है। वहीं मैन रुपए लेकर एक बच्चा फरार है। घटनास्थल के जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया उन्हें देखकर समझा जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह से छात्र बच्चे मौका पाकर मंदिर में उस समय घुसे जब श्रद्धालु उसमें नहीं थे, मंदिर के कर्मचारी ऊपर सफाई में जुटे हुए थे। वहीं बच्चों ने मौके का फायदा उठाया और मंदिर के अंदर चारों तरफ चक्कर लगाए। गुल्लक जिसमें कि चढ़ोतरी के रुपए रखे हुए थे बाहर से साफ नजर आ रहे थे, उन्होंने पिंचेस से गुल्लक की लाख को तोड़ा और जो बड़े बड़े नोट थे उनको समेटा, जेब में रखा और मौका पाकर चलते बने। दिगंबर जैन चौधरी मंदिर में चोरी की दिन दहाड़े हुई यह वारदात पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाने के साथ में यह सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दे दिए गए हैं। पुलिस ने भी तीन में से दो बच्चों को पकड़ लिया है, थाने ले गई है, इनसे पूछताछ की जा रही है, तीसरे साथी का पता पूछा जा रहा है। वहीं जानकारों का कहना है बच्चे शातिर चोर हैं, पूर्व में भी सिंघई मंदिर में चोरी करते हुए पकड़े जा चुके हैं, वहीं अन्य क्षेत्रों में भी इनका चोरी चकारी का रिकॉर्ड है, लेकिन नाबालिग होने की वजह से इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती है। जिस तरह से है मौका पाकर यह पूरा घटनाक्रम रविवार दोपहर का बताया जा रहा है। हालात देखकर समझा जा सकता है कि मंदिर में श्रद्धालु नहीं है लेकिन सुरक्षा इंतजाम भी नहीं है, और ऐसे में हालात आगे ना हो इसलिए जिम्मेदारों को समझना